तो रमजान का महीना चल रहा है तो बहुत सुबह बिल्कुल 3 बजे उठ करके खाना पकाना पड़ता होगा, जी और सर लकड़ी का चूल्हा गया और गैस का चूल्हा जी आया तो पहले में बहुत बड़ा फर्क आया होगा। बहुत ज़्यादा सर हाँ बताइए। जी, पहले के मुकाबले में आज बहुत ही ज़्यादा फर्क आ रहा है, क्योंकि जो हमारा टाइम बचता है, पहले तो बच्चे हम जब चूल्हा जलाते थे तो बच्चे आग की तरफ जाते थे, वो खतरा रहता था। बर्तन साफ करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता था। कोई बिल्कुल बच्चा अगर बीमार पड़ता था उसको हॉस्पिटल ले जाते थे, उसमें सारा दिन चला जाता था, जिसमें हम एक दिन का मतलब एक टाइम का खाना भी पका नहीं पाते थे। अब जबकि उज्ज्वला गैस हमारे घर में आई है, इससे हमें बहुत सहूलियतें हो गई। रमज़ान के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा, अब हम सुबह ही उठ के 15 मिनट आधा घंटा पहले ही खाना पका सकते हैं और सहरी में खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं सर। देखिए, मेरा जन्म जहाँ हुआ हो और मेरा जो घर है, मेरे अड़ोस पड़ोस में सारे मुस्लिम परिवार हैं और जी मेरे सारे दोस्त भी मुस्लिम बच्चे ही थे सब जब मैं बच छोटा था। और मैं जी देखता था कि रमज़ान महीने में उनके घर में बड़ी तकलीफ होती थी। मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे, गरीब परिवार के ही थे, कोई बड़े मेरे दोस्त वो नहीं थे। तो यस सर उनको घर में सुबह 3 बजे उनकी माता को उठना पड़ता था, बहनों को उठना पड़ता था, और तीन यस बजे सर से वो खाने की तैयारी करते थे ताकि रोजा शुरू होने से पहले सारा काम हो जाए। जी मैं कल तो मानता एक हूं रो अब गैस सिलेंडर आने के कारण ये जो माताओं बहनों को ऐसे अवसर पर जो तकलीफ होती थी, बहुत कठिनाइयों से मुक्ति मिली। आपके यहाँ तो मौसम का भी मार रहता है, जी सर लकड़ी गीली ही रहती है आपके यहाँ तो वो तो और दिक्कत करती होगी। तो एक तो पूरा दिन रोजा रखते थे और ऊपर से फिर लकड़ियां भी शाम को ही ढूंढनी पड़ती थी, लकड़ियां ला के रखनी पड़ती थी। फिर सुबह भी 1 बजे से ही, क्योंकि सारे का टाइम तो कभी 3 बजे भी होता है, फिर हमें 1 बजे से ही 2 बजे से ही खाना पकाना पड़ता था। ओ तो अभी सुविधा हो गई, आधे पौने घंटे पहले करते तो हो जाता है। बिल्कुल सर, वो तो बच्चे सोते भी थे तो उनको भी धुआं लगता था खांसी से, वो भी उठ जाते थे हाँ नींद से वो पहले तो ही, बहुत परेशानी तकलीफ भी हो होती है। जाती थी। फिर बच्चों को संभालना, यहाँ से खाना पकाना सर, बहुत शुक्रगुजार हैं अच्छा बच्चियों को पढ़ने में सुविधा हो गई अभी? जी सर। वो अभी छोटी ही है मगर हो गई सहूलियत, मतलब खांसी वांसी से बच गए, धुएं से बच गए, उससे काफी खुशहाली घर में आई। हम काफी वक्त दे पाते हैं तो इसकी वजह से मैंने सिलाई का काम भी सीखा है, जिससे आमदनी भी आती है और मैं सिलेंडर भी उससे आसानी से खरीद पाती हूँ। देखिए, कश्मीर में जो हमारी माताएं बहनें हैं, भगवान ने उनको बहुत बड़ी एक कौशल दिया है। उनकी उंगलियों में ऐसी ताकत है, ऐसी अद्भुत चीज़ें बनाती हैं। अब मैं मानता हूँ ये गैस सिलेंडर के कारण वो माताओं बहनों को वो लकड़ी के चूल्हे में जो अपने हाथ जलाने पड़ते थे, अब उन उंगलियों का उपयोग अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके बहुत बड़ा मार्केट खड़ा करने की ताकत है। कश्मीर की हर माँ बहन को, बेटी को ये हस्तकला का अद्भुत काम आता है, तो उसमें कोई जी बढ़ोतरी सर हुई है? सर बहुत ज़्यादा, आपको तो पता ही है रमज़ान के महीने में हमें काफ़ी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा सहूलियतें मिली, एकदम तो मैं सरल हो आपका गया सबके शुक्रगुजार लिए। हाँ जी जी सर शुक्रिया सर, आपकी सरकार से हम बहुत खुश हैं, बहुत मुझे अच्छा बहुत खुश लगा, है। आप सब हमें परवरदिगार से आशीर्वाद दुआ दीजिए। करेंगी, हाँ तो आपकी सरकार रहेगी, हाँ नहीं, आपके हम आशीर्वाद बने रहें, हम सब हाँ मिलकर हम के गरीब गरीब दुखी का घुमाएंगे भला आपके करें, साथ सर। यस गरीब का सर, भला करें। मैं रमजान का महीना चल रहा है, सुबह हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान में हम आपको दुआ देंगे कि अगले हर साल आपकी ही सरकार आ जाएगी। हम बहुत मैं खुश हैं आज आपका के दिन बहुत से, आभारी हूँ, लेकिन हम आपकी दुआ बहुत करेंगे, मुझे मुझे सारी आपने बहनों की आशीर्वाद दुआ है दिया, आपके साथ सर। आपने आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम सबका काम है गरीब को 2 टाइम अच्छा खाना मिले, गरीब के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, गरीब यस सर के जो नौजवान हैं उनको कामकाज का अवसर मिले, और हमारे यस जो सर बुजुर्ग हैं उनको दवाई में कोई तकलीफ